बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5, उसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 3। रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो पहले हमारे पास है वो है जी 1024। तो इसका हमने मैंने आपको दो तरीके बताए थे। तो या तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तो ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे इस पर स्क्वायर रूट लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो इसको या तो आप क्या कर लें स्क्वायर रूट मेथड से कर लें, 1024 इस तरीके से कर लें, या प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, जो आपको क्या लगता हो आसान कर लगता हो। तो मैं आपको डिवीन मेथड से कर देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप खुद ट्राई कर लें। तो 1024 आ गया, ये आसान है, ज़रा वो लेंथी है, ये आसान है। तो अंदर गिने 1, 2, 3, 4 चार हैं, तो 2, 2 के पेयर बना लिए, 3, 3 ज़ार कितना हो गया, 9 हो गया, 1 बच के आप 24 के नीचे उतारें, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। इन दोनों को प्लस किया या किसी एक 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2, 3 ज़ार 6। अब ऐसा पैर ढूंढे ना जिसके लास्ट पे क्या यूनिट जो है वो आपको 4 आता हो। तो 2 स्केयर किया तो कितना आ गया 4, और अगर 8 स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 64। तो 8 का स्केयर करते हैं यूनिट प्रेस पे 4 आते हैं, और 2 का स्केयर करते हैं तो यूनिट प्रेस पे 4 आ रहे हैं। तो पहले हम ट्राई करके देख लेते हैं किससे जी, 2 से कर लेते हैं। यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 6 ज़ा 12, तो कितना पूरा आ गया। तो इसका मतलब है ये जो है इसका जो स्क्वायर रूट आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया। ठीक है, 1024 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया। तो ये आ गया हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट किया। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट में जो हमारे पास है जी, दूसरा आप खुद कर लें, थर्ड वन है 196 और 49, पार्ट 3 है इसका, 196 और 49। तो क्या करेंगे इसका जी, 196 और 49 किया इस होल पर, पूरी पर क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। फिर हमें पता है कि हमने इलादा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, 196 पर इलादा ले लिया, 49 पर क्या कर लिया, इलादा ले लिया। तो 196 का बना देते हैं, तो 196 का क्या आ गया, स्क्वायर रूट मेथड से कर लेते हैं, 196 इधर आप रफ वर्क में इसको लें, 1, 2, 3, 3 है, तो 1, 1 इज़ 1। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 96 को नीचे उतारें, 1 और 1, 2 हो गए, तो 4 इधर भी लगा लें, 4 इधर भी लगा लें, 4, 4 ज़ार 16, 4, 2 ज़ार 8 और 1 9। तो कितना आ गया जी, ऊपर वाले का आ गया कितना, 14 आ गया, और नीचे का 49 को आपको पता है ज़बानी है 49 का क्या होता है, 7 होता है। इसी तरह फिर आगे किसका कर लें, 6.25 है, पॉइंट वाला करवा देता हूँ आपको, ये कितना आ गया 6.25, पार्ट 4 है, 6.25 है। तो 6.25 में सबसे पहले आप क्या करें, पॉइंट को ख़त्म करें, 6.25 इस पर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेकर इसको पॉइंट को ख़त्म करें, 625 और कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ गया। ठीक, और नीचे आगे 2 इंच है तो 2 0 आ गए। इसी तरह 625 को इरादा कर लें और 100 को इरादा कर दें, 625 के अंदर बनाइए 625। तो 1, 2, 3 है पैर इरादा, अगले 2 पैर आएंगे तो 2, 2 ज़ा 4 हो गया, 2 नीचे आप 25 नीचे उतारा, इन दोनों को ऐड करें या किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। आप 5 यहाँ भी ले रहे हैं, 5 यहाँ भी ले रहे हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, और 2 कितना हो गया, 22। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया जी, ये आ गया कितना, 25।
और नीचे क्या था 100 है, तो 100 का आपको पता है 10 होता है। तो चूंकि क्वेश्चन किस में था, पॉइंट में था, तो आंसर भी किस में लाएंगे, पॉइंट में लाएंगे। तो आंसर में पॉइंट में लाया तो कितना आ जाएगा 2.5। तो हमारा स्क्वायर रूट 6.25 के कितना आ गया, 2.5 आ गया। इस तरह आगे नेक्स्ट अगर कर लेते हैं, नेक्स्ट में आपके पास है जी नेक्स्ट भी पॉइंट वाला आ गया, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट कर लेते हैं इसका पार्ट 5 है, 0.0225। तो सबसे पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखने के बाद इस पर स्क्वायर रूट लें, ठीक हो गया। तो अब इसका क्या कर लेते हैं, पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। तो पॉइंट ख़त्म किया तो 0.0225 क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो कितने 4 जीरो आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट को इरादा इरादा अप्लाई कर दें, 225 पे इरादा कर लें और 10,000 पे इरादा कर दें। 225 पर हमने इरादा कर लिया और 10,000 पर इरादा कर लिया। तो अब क्या है, 225 का बनाएं। तो 225 के लिए 1, 2, 3 है, तो पहले क्या कर लें, सिंगल छोड़ दें पहले को, अगले दो के पैर बना दें। तो 1, 1 इज 1 क्या बच गया, 1 रह गया। अभी 25 को नीचे उतारा, यहाँ भी 5 ले लें। अब 1 और 1 2 हो गए, अब इधर भी 5 ले रहे हैं, वहाँ इधर भी क्या ले रहे हैं, 5, 5 5 5 5 2 10 2 12। तो 225 का हमारे पास आया जी कितना, 15 आया। और 10,000 का क्या कहते हैं इसका, 10,000 का क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। याद नहीं तो बना लें, ठीक है। 10, 10 हज़ार कितने हो गए, 100। 10, 10 हज़ार कितने हो गए, ये 100 हो गए। तो ले लें 1 0 पर ले लें, तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया। और इसको अगर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो पॉइंट में था, तो 0.5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 0.225 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया, 0.25 आ गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, इसका पार्ट अगला कर लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट कौन सा कर लूँ, पार्ट 7 कर लेता हूँ। पार्ट 7 है हमारे पास 2 होल 14 बाई 25। 2 होल 14 बाई 25। तो 2 होल 14 बाई 25 का क्या आ जाएगा, 25 2 50 50 में 14 ऐड की तो कितना आ गया, बल्कि कितना आ गया, 64 हो गया, 64 और 25। अब इस पर स्क्वायर रूट लेने, 64 और 25 इस पर स्क्वायर रूट ले लिया। अब इरादा इरादा बना दें, 64 का इरादा ले लें और 25 का इरादा ले लें। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, और 25 भी क्या होता है, 5 होता है। तो ये आसान आ गया। अब हॉल में था, चूँकि क्वेश्चन हमारा किस में है, हॉल में है, तो आंसर भी किस में लाते हैं, हॉल में। तो क्या आ जाएगा, 5 1 इज 5 8 में से 5 3। तो इसका आंसर सिंपली क्या आ गया, 1 होल 3 बाई 5 आ गया। ये आपने याद रखना है कि क्वेश्चन अगर पॉइंट में है तो आप आंसर पॉइंट में लाएंगे, अगर आप क्वेश्चन हॉल नंबर में यानी मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपका आंसर भी किस में आना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में आना चाहिए। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन का की पॉइंट होता है। ये पॉइंट 7 हमने कर दिया। अब पॉइंट आगे देख लेते हैं, अगला कर लेते हैं जी कौन सा, अगला बना लें 1 होल पार्ट 10 कर लेता हूँ। ये भी हॉल नंबर में है जी हमारे पास जी, 1 होल 25 और 121। 1 होल 25 और 121,
वन होल 23 ओवर, तो इसको मल्टीप्लाई किया 21 को 1 से किया तो 121 ही आ गया, 121 में 23 प्लस किया 4 4 1, तो ये कितना आ गया 144 हो गया, और नीचे क्या आ गया 121 आ गया। अब क्या कर लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, 144 का स्क्वायर रूट इरादा ला लें और 121 का इरादा ले लिया। ठीक है भाई, आप 144 का हमने पहले एक्सरसाइज में निकाले हुए हैं 12 है, और 121 के कितने 11 है, ये ऐसे स्क्वायर रूट हैं जिनके आपने क्या करने है, जबान याद रखने है। तो 12 और 11 आ गए। अब क्वेश्चन किस में था, क्वेश्चन था हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, होल नंबर में था, तो मिक्स फ्रैक्शन इसको ले जाते हैं, 11 1 इज 11, 1 बच गया, तो इसका क्या आ गया 1 होल 1 बाई 11, 1 होल 1 बाई 11 आ गया। तो बॉयज ये था, अच्छा चलें एक दो और बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको करने में। और नेक्स्ट जो इसके कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार्ट कौन सा जी, 3.0625 भी कर लेता हूँ, पार्ट कितने हैं, पार्ट 12 है, ये कितने हैं जी 3.0625। सबसे पहले पार्ट ख़त्म कीजिए 3.0625, पार्ट ख़त्म किया, पार्ट की जगह 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आगे, अब 3.0625 लिया, नीचे 10,000 आ गया। अब इस पर स्क्वायर रूट ले लें, इसके स्क्वायर रूट को इरादा ले लें, 3.3625 का इरादा ले लें और 10,000 का इरादा ले लें। ये सारी चीज़ें मैंने यूनिट की शुरू में आपको समझाई हैं कि इरादा इरादा लेने का क्या मकसद है। अब क्या कर लेते हैं 3025 को बढ़ा देते हैं इधर, 3025 3625 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है, तो पहले इरादा ले लें, बाकी पेयर्स आ जाएंगे, 1 1 इज 1, 2 बच के, अब 0 और 6 को नीचे उतारें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 हो गए। अब ऐसा फिट कीजिए यहाँ पर जो उसके करीब तरीन आता हो, अगर 29 9 कर लेता हूँ, 9 9 81, 8 3 9 2 18 और 8 26 206 बहुत ज़्यादा आ रहे। अब 7 से जा रहे हैं, 7 7 49 4 4 7 2 14 और 4 1 8, ठीक है 8 से कर लेते हैं, 8 8 64, 8 2 16 और 6 22, 2 2 0 ज़्यादा आ रहे, तो 7 से जाते हैं, 7 इधर भी 7 इधर भी, तो इससे कितना आया था, 7 से ये आया हमारे पास 189, तो 16 में से 9 7 और 9 में से 8 1, अब कौन सा पैर उतरेगा 25, अब ये जो 7 और 7 को ऐड करने, 7 7 14 8 carry 2 leg 3 या 27 में 7 को ऐड कर दें, 27 में 7 को भी ऐड कर सकते हैं और या क्या कर सकते हैं 7 और 7 को भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए ऐसा आंसर सोचें जिसके लास्ट में 5 आता हो, तो इधर भी चले 5 पुट कर लेता हूँ, इधर कर लेते हैं 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेते हैं, 5 5 ज़ार 25 2 carry 5 4 ज़ार 20 और 2 22 2 carry 5 3 ज़ार 15 और 2 कितने हो गए 17 1 7 2 5, तो ये पूरा पूरा आ गया हमारे पास। इसका कितना आया, ये जो पहले वाला है इसका आया जी हमारे पास 175 और नीचे आ गया 10,000 का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब कितना आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पॉइंट में था तो आंसर भी किस में आना चाहिए, पॉइंट में आना चाहिए, तो 1.75 आ जाएगा।
नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 डिजिट गिन कर क्या करनी है, उस पर 0 पुट करनी है। ठीक है बॉयज, तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 3 के जो मेजर पार्ट थे मैंने आपको किए करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रोसीड करते हैं। वी साइज 5 को क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिहाज से इसको कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारा है जी पहला 16 पार्ट 1 है, 16 मल्टीप्लाई बाई 81, इस पर स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 81 स्क्वायर रूट। तो अब क्या कर लेंगे जी, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ गई हमारी कौन सी लेफ्ट हैंड साइड आ गई और ये कौन सी आ गई हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेते हैं। ठीक है बॉयज, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कौन सी आ गई 16 मल्टीप्लाई बाई 81 स्क्वायर रूट। अब 16 के बनाए पहले इधर 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1 is, तो 16 के आपके पास कितने आ गए 2 2 2 और 2 आ गया। आप 81 के बना दें इधर 3 2s are 27s are 3 9s are 3 3s are 3 1 is, तो 3 भी कितना टाइम आ गया 4 टाइम आ गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ पेयर में हो वो सिंगल टाइमिंग बाहर आती है, ये हमने यूनिट की शुरू में सीखा है। 2 इधर डबल था एक टाइम आ गया, ये 2 भी डबल है एक टाइम आ गया, और फिर क्या है जी ये 3 डबल है एक टाइम आ गया, और ये 3 भी डबल है कितना टाइम आ जाएगा एक टाइम। 2 2 4 4 3 12 12 3 36, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का आ गया 36। अब प्रोसीड कर लेते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है बॉयज। तो राइट हैंड साइड बल्कि यहीं बना देता हूँ इसको, टेकिंग राइट हैंड साइड RHS पे आ जाएं 16 है, इसका स्क्वायर रूट इरादा आ गया और इसका 81 का इरादा आ गया। 16 के हमारे पास पैर क्या क्या आए थे 2 2 2 2 और 2 आए थे, इसका इरादा कर दें मल्टीप्लाई बाई इसके भी आए थे 3 3 3 और 3, इसको इरादा कर दें। ये स्क्वायर रूट के नीचे पैर में अकेला आ गया, ये भी पैर में क्या आ जाएगा अकेला आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये पैर में अकेला आ जाएगा, ये भी पैर में क्या हो जाएगा अकेला आ जाएगा। 2 2 4 हो गए मल्टीप्लाई 4 3 3 3 9 हो गए, तो इसका कितना आ गया 36 आ गया। सो हम क्या कह सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड जीक्वल टू किसके राइट हैंड साइड के। ठीक है, एक के भी 36 आया, दूसरे के भी कितना आया 36 आया। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो मैंने डिवीन मेथड से इसको इसलिए नहीं किया कि ये उसने खुद कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन से करनी है, ये हमने कौन सा कर लिया पार्ट 1 कर लिया। अब बना देता हूँ पार्ट कौन सा कर लेता हूँ, ये सेकंड भी करवा देता हूँ आपको। पार्ट सेकंड में है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.04। ठीक है बॉयज,
इस पर स्क्वायर रूट आ गया सारा, आगे क्या आ जाएगा 0.25 इरादा आ जाएगा और 0.04 के हो जाएगा इरादा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लें, अगर पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं 25 ओवर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका कितना आ जाएगा 4/100 आ जाएगा। जिस इरादा स्क्वायर रूट आ गया इसका इरादा ले लें 25/100 आ गया, साथ लेकर चले जाएं और इसका क्या आएगा 4/100 आ जाएगा। ठीक बॉयज, इसका 25 का कितना होता है 5 होता है और 100 का कितना होता है 10 होता है, 4 का कितना होता है 2 होता है और 100 का कितना होता है 10 होता है। इस तरफ आ जाएं, 5 का स्क्वायर रूट 25 का 5, 100 का 10, ये हमने पहले बना दिए हैं इसलिए मैंने ये किया है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड नहीं किया कि ये अब आपको जुबानी आनी चाहिए। 4 का कितना आगे 2 आगे, चूँकि वैल्यू छोटी है 25 या 4 है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसका आपको जुबानी आनी चाहिए। 10 आ गया, अब क्वेश्चन किस में था, पॉइंट में है तो आंसर भी कितना आएगा पॉइंट में, एक इनसे बात पॉइंट है 0 है, डिनोमिनेटर के नीचे एक, ये सारा मैंने आप समझाया कि नीचे अगर 0 जितने टाइम होंगे तो ऊपर इतने इंसिडेंट कर आपने पॉइंट लगाने हैं, तो एक टाइम 0 है तो एक टाइम पॉइंट लगा दिया मल्टीप्लाई में, एक टाइम 0 है तो एक टाइम पॉइंट आ गया, किस तरफ आ जाए, एक टाइम 0 एक टाइम पॉइंट आ गया, एक टाइम 0 एक पॉइंट क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है भाई, इधर कितना आ गया, अगर आप 0.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 10, अब दो इनसे बात क्या है पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा जीरो टू, ये भी इतना यही आ गया और 10 आ गया पॉइंट, यानी 0.10 और 0.10, तो इनका स्क्वायर रूट ये आ गया 100 क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक बॉयस, अब क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, पार्ट किस पे 3 पे या 4 कर देते हैं, अब चलिए पार्ट में कौन सा 4 कर देता हूँ, 0.4 है हमारे पास, 5.76 5.76 ओवर 1.44 ये स्क्वायर रूट आ गया 5.76, ये स्क्वायर रूट आ गया इरादा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का और 1.44 का क्या आ गया इरादा आ गया। अब पहले इसका कर लें 576 का कर लेते हैं, बना देते हैं, अब यहाँ एक और चीज़ यही सीख लें पॉइंट को ख़त्म करने के तरीका, जब आपको क्वेश्चन इस तरह दियो कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो डेसिमल हैं वो बराबर हैं, पॉइंट के बाद दो इंच हैं, नीचे भी पॉइंट के बाद कितने इंच हैं दो इंच हैं, तो आप इसको यहीं से कैंसिल कर लें, यहाँ से इस पॉइंट को इसके साथ कैंसिल कर लें, तो ये बात कि आपके पास 576 और 1.44। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई हैं कि पॉइंट के बाद अगर इस तरह आ रहा है 3.76 है और नीचे आपके पास आ रहा है 1.25 आ रहा है, तो आप देख लें कि यहाँ भी पॉइंट के बाद दो इंच हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो इंच हैं, तो इस तरह ये पॉइंट उड़ जाते हैं जहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट सेम हो, तो 576 का भी बना देते हैं इधर, 576 का बनाना प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाएं, जब प्राइम से बनाने 2 2s are 4, 8 carry 2 8s are 16, 8 carry 2 8s are 16, 2 1s 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are, 2 2s are, 2 3s are, 2 6s are, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are, 3 1s, इसके आपके पास कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 times 2 है 1 2 3 4 5 6 और 3 times क्या है 2 है। ठीक है, सारे पास क्या रूट ये आ गया, अब बना दें किसका 1.44 का। ठीक है बॉयस, अगर कि मैं इसको मिटा कर बना देता हूँ,
144 का क्या आएगा? 144 के बनेंगे जी आपके पास 27,000, 22,000, 23,000, 1 kg, 26,000 और 218,000, 29,000, 33,000, 31,000। तो ये आ गया आपके पास जी कौन सा, इसके कितने आ गए? 4 × 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 3 टाइम क्या है? 2 है। ये सारे सेम स्क्वायर रूट के नीचे आ गए। यहाँ से पैर देखें, एक टाइम बाहर, ठीक है बस चने में रागी कर देता हूँ। यहाँ से ये पैर है तो इसका क्या आ गया? एक टाइम बाहर आ गया। फिर ये आगे पैर है तो एक टाइम बाहर आ गया। फिर ये आगे पैर है, एक टाइम बाहर आ गया। 3 का पैर है तो एक टाइम बाहर आ गया। अब नीचे आ जाइए, 2 डबल टाइम है, एक टाइम आ गया। फिर 2 डबल टाइम है, एक टाइम आ गया। फिर 3 डबल टाइम है, कितने टाइम? एक टाइम। 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 3 = 24, 2 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है। 24 और कितना आ गया? 12, या 12 × 2 = 24, तो इसका सिंपल क्या आ गया? 2 आ गया। अब किस पे आ जाते हैं? राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या क्या आएगा? राइट हैंड साइड पे एक ये याद रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आंसर कितना है? 12/2 आएगा। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो ये कितना था? 5, 7, 6, यहीं से भी आपको पॉइंट उड़ा दें, ये आ गया। और नीचे कितना आ गया? 144 आ गया। ऊपर वाला अलादा है, नीचे वाला क्या है? इरादा है। तो इसका कितना बना था? हमारे पास 24 आया था स्क्वायर रूट, और इसका कितना आया था? 12। तो 12 × 2 = कितना आ गया? 24 आ गया। ये प्रोसेस सारा इसका मैंने आपको पहले पीछे उसमें कर दिया, हल कर दिया है। या अगर आप बनाना चाहते हैं इसको, इस तरह नहीं करना चाहते, बनाना चाहते हैं तो बना दें। 2 कितने टाइम आया था? 2 × 4, 4 × 8, 8 × 24, 24 × 3 = 576 का क्या पेयर थे? 2 × 4 = 2, 8 × 2, 8 × 2, 1 × 2, 4 × 2, 4 × 2, 7 × 2, 2 × 3 × 6 × 2, 18 × 2, 9 × 3, 1 × 3, 3 × 2, 6 × 2, 18 × 2, 9 × 3, 1 × 3, 3 × 2, 6 × 2, 18 × 2, 9 × 3, 1 × 3, 3 × 2, 6 × 2, 18 × 2, 9 × 3, 1 × 3, 3 × 2, 6 × 2, 18 × 2, 9 × 3, 1 × 3, 3 × 2, 6 × 2, 18 × 2, 9 × 3, 1 × 3, 3 × 2, 6 × 2, 18 × 2, 9 × 3, 1 × 3, 3 × 2, 6 × 2, 18 × 2, 9 × 3, 1 × 3, 3 × 2, 6 × 2, 18 × 2, 9 × 3, 1 × 3, 3 × 2, 6 × 2, 18
है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 और 3 डबल टाइम है। ठीक है भाई, तो 1 4 के क्या बना था हमारे पास, 1 4 के भी बना देते हैं। 1 4 का क्या बनाए जी, 2 7 2 2 2 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 तो 2 4 टाइम है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 इस पर आधा स्क्वायर रूट है, नीचे वाले पर आधा स्क्वायर रूट है। ये डबल टाइम है 2 सिंगल टाइम में आ जाएगा, ये भी डबल टाइम है सिंगल टाइम में आ जाएगा, ये भी डबल टाइम में है सिंगल टाइम में आ जाएगा। अब 3 भी डबल टाइम है सिंगल टाइम में आएगा। ऊपर वाले डिनोमिनेटर ये हो गए, अब डिनोमिनेटर पर आ जाएं 2 डबल टाइम है, फिर 2 कितने टाइम है डबल टाइम है, 3 कितने टाइम है डबल टाइम है। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 2 2 4 4 3 12 12 2 24 तो इसके भी कितना आ गया 12 2 आ गया। सो हम क्या कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आइए, उसके भी 2 आया था, इसका भी 2 आया राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, तो ये किया हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और कौन सा जी 4 किया। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इसके और प्रॉब्लम रह गए वो उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।